में जननायक जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के बीच खासकर ग्रामीण इलाकों में किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गठबंधन टूटने के बाद अपने वजूद को बचाने की जुगत में लगी जननायक जनता पार्टी के सीनियर नेताओं को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का हिसार में दो जगह, अजय चौटाला का भिवानी में, तो दिग्विजय चौटाला को बुधवार को अपने गृह जिले सिरसा में किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। गांव पिपली में प्रचार के लिए पहुंचे दिग्विजय चौटाला को गांव में ही घुसने से रोक दिया गया। अपने कार्यक्रम के लिए बुधवार को डबुवाली के पिपली गांव में पहुंचे दिग्विजय चौटाला को किसानों ने रास्ते में रोक दिया। इस दौरान किसान ने उनसे पूछा कि आप किस हैसियत से आज हमारे बीच आ रहे हैं। जब डबुवाली में किसानों को रोककर बैरिकेड्स लगाए गए और अत्याचार हुआ तब आप कहाँ थे। इस पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मैं कल भी बीजेपी के खिलाफ था और आज भी बीजेपी के खिलाफ हूँ। तब किसान बोले के तो क्या भाजपा के साथ दुष्यंत चौटाला थे, अजय चौटाला थे या फिर आपकी माँ नैना चौटाला थी। इस पर भी दिग्विजय चौटाला बोले के हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे और हैं। किसानों ने कहा कि आपके पिता तो किसान आंदोलन को बीमारी बताते हैं, हम बीमारी है। इतना कहकर किसान सड़क के बीच में बैठ गए और दिग्विजय चौटाला को आगे बढ़ने से रोक दिया। किसानों ने भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें कि दो दिन पहले ही भिवानी जिले के गांव कुंगड़ में काले झंडे लेकर सैकड़ों किसान जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला के काफिले को रोक दिया था। अजय चौटाला ने किसानों को समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सुनने से ही इनकार कर दिया। आखिरकार जननायक जनता पार्टी के नेता गांव में बिना बैठक किए ही लौट गए। वहीं पिछले सप्ताह अजय चौटाला के बेटे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को उनके चुनाव अभियान के दौरान दो बार रोक दिया गया। हिसार के गमरा गांव और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के नाडा गांव में दुष्यंत चौटाला को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। जननायक जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी हरियाणा की जाट बेल्ट हिसार भिवानी जज्जर रोहतक सोनीपत सिरसा जींद आदि के गाँव में विरोध का कड़ा सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके पीछे की वजह भी सूबे में जाटों के विरोध का ही माना जा रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले बनी जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिल गई। हिसार फतेहबाद और जींद और भिवानी जिले की जो सीटें जननायक जनता पार्टी के खाते में गई वो तो सब सीटें जाट बाहुल्य है। ऐसे में स्पष्ट है कि यहां भी जनादेश सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ गया लेकिन विकल्प के रूप में लोगों ने जननायक जनता पार्टी को चुना। हालात ऐसे बने थे कि जननायक जनता पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से खिलाफत कर रही थी और लोगों ने एक विकल्प के तौर पर जननायक जनता पार्टी को चुना। लेकिन होता क्या है, चुनाव की मतगणना के बाद जैसे ही वोटों की मतगणना होती है तो जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा पहुंचती है और गठबंधन की सरकार बन जाती है। जिस कारण किसानों को यह महसूस हुआ कि जननायक जनता पार्टी और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हमारे साथ धोखा किया है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला अपने आप को हर बार किसानों के नेता कहते थे और एक बार तो संसद में आवाज उठाने के लिए दुष्यंत चौटाला किसानों का समर्थन करते हुए ट्रैक्टर से संसद पहुंचे थे, जिस कारण उनको किसानों का नेता माना गया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की शरण में जननायक जनता पार्टी गई तो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ यही जाट बाहुल्य इलाके हो गए और यही कारण है कि अब जहां पर भी दुष्यंत चौटाला या उनकी मां नैना चौटाला या उनके पिता अजय चौटाला या उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जहां कहीं भी प्रचार करने के लिए गांव में जाने की कोशिश करते हैं तो लगभग हर जगह से इनको विरोध का सामना करना पड़ता है और किसान काफी आक्रोश में है कि आखिरकार जिनको हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव में जिताया था वही आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और यही कारण है कि हर बार अब दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला, नैना चौटाला इन सब जननायक जनता पार्टी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बार बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है और हरियाणा में हर जगह किसान इनको गांव में घुसने तक नहीं दे रहे और प्रचार प्रसार करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के हिसार से लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला को भी कई जगह विरोध का सामना करना पड़ा था और ऐसे ही सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर को भी कई जगह किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिस कारण लगातार भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेता भी बेबस नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार किसान हर जगह विरोध कर रहे हैं वहीं यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई है। जिस तरह से दिग्विजय चौटाला को मजबूर कर दिया गया वापिस लौटने के लिए और जिस तरह से दिग्विजय चौटाला यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं
शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ और हमारा पूरा परिवार ही भाजपा के खिलाफ है, तो किसान पूछ रहे कि आखिरकार तो फिर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किसने दिया था? क्या जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक अपने आप जननायक जनता पार्टी की ओर से भाजपा के समर्थन में चले गए थे? अब देखना होगा कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का हरियाणा में ऐसे ही विरोध होता रहेगा या फिर ये लोग प्रचार भी कर पाएंगे। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।